सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए यूट्यूबर्स अपना चैनल बनाते हैं और लगभग मान लीजिए कि 90% यूट्यूबर्स तो ये सोचते हैं कब वो चैनल बनाए और कब उनके सामने स्पॉन्सरशिप आए और स्पॉन्सरशिप से वो कुछ पैसा कमाए। यूट्यूब की जो इनकम होती है वो नॉर्मली काफ़ी कम इनकम होती है। अगर मैं बात करता हूँ स्पॉन्सरशिप के पैमाने पर, अगर बात करते हैं तो 100 रुपये अगर आप कमाते हैं तो उसमें 80% जो इनकम होती है 80 रुपये जो होती है वो स्पॉन्सरशिप से आती है और 20% जो होती है वो आपकी YouTube की इनकम होती है। आप में से बहुत ज्यादा लोग ये जानते होंगे लगभग $100 से ऊपर अगर आपकी इनकम बन रही है तभी YouTube आपको पे करता है, उसके नीचे तो आपको पे भी नहीं करता है। तो ऐसे में बहुत हद तक डिपेंड करता है एक यूट्यूबर की उसको स्पॉन्सरशिप मिले और स्पॉन्सरशिप से वो कुछ पैसे कमाए। तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्यों ठुकराई अगर मेरे को स्पॉन्सरशिप मिली तो, और वो भी एक नहीं एक से ज़्यादा मुझे स्पॉन्सरशिप मिली, मुझे 2 स्पॉन्सरशिप मिली। हालांकि हमारा चैनल जो है अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से हमने कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं जिसकी काफ़ी अच्छी व्यूज़ आए हैं, जैसे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के जो हमारे मॉडल्स होते हैं जिसके बारे में बताता हूँ आपको, उसे काफ़ी अच्छे व्यूज़ हम बना पाते हैं। तो ऐसे में मुझे पहली स्पॉन्सरशिप मिली जब मैं लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हमने पार कर लिए थे। और क्योंकि देखिए हमने जब चैनल जब स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने आपको यही बोला था कि हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल अनबायस्ड रहेगा और किसी तरीके के ऐसे रिव्यू या ओपिनियन मैं आपको नहीं देने वाला हूँ जिसके अंदर मुझे लगता है कि खुद जो है आप उस चीज़ को मुझे जब पसंद नहीं आ रही तो आपको क्यों पसंद आएगी। तो अल्टीमेटली पहला मेरा ये बनता है, आपको एक विश्वास आपने मेरे ऊपर किया है तो मेरा एक तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको मैं ऐसी चीज़ें सजेस्ट करूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। तो आज मैं थोड़ा सा मैं अपनी मन की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों मैंने स्पॉन्सरशिप ठुकराई और क्यों मतलब ठुकराने का मतलब क्यों मैंने मना करी। तो पहली जो है मेरे को स्पॉन्सरशिप आई थी वो था विंडोज 10 को मैंने प्रमोट करना था और विंडोज 10 क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा आप समझ लीजिए प्रोडक्ट है। और जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे जो डेस्कटॉप वगैरह के जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी लैपटॉप के जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, लाखों के अंदर मेरे को उसके अंदर व्यूज़ मिलते हैं। आप जाकर देख सकते हैं बेस्ट लैपटॉप अंदर 20,000, 30,000, 25,000 या गेमिंग लैपटॉप सभी के व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। सो ऐसे में मुझे एक स्पॉन्सरशिप आई कि आप विंडोज 10 को प्रमोट कीजिए। और ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, पहली नज़र में जो है स्पॉन्सरशिप काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि विंडोज 10 एक ऐसा प्रोडक्ट है, विंडोज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जितने भी लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, अगर मैं एप्पल को छोड़ देता हूँ तो एप्पल के अलावा जितने भी लैपटॉप आते हैं उनमें विंडोज़ के ही आप देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ और मैंने नेट पे जाकर रिसर्च करा और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसको लेके वीडियो बनाई हुई थी। अब स्पॉन्सरशिप जो थी वो काफ़ी टेम्पटिंग थी, मतलब कि अगर आप सर्टन अमाउंट ऑफ विंडोज़ हमारे यहाँ से बेचते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे, जो कीज़ मैं आपको दूंगा नीचे लिंक में उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होकर वहाँ से विंडो ले सकते हैं, काइंड ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम जो आप जानते हैं उस चीज़ को। सो मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और देखा कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने उसके लिए वीडियो बनाई हुई थी ऑलरेडी। सो मैंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, हम बना भी सकते हैं। लेकिन जब मैंने और रिसर्च करना स्टार्ट करा तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो मेल है ये डायरेक्टली मुझे माइक्रोसॉफ्ट से नहीं आई हुई है, ये कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कोई मतलब चैनल पार्टनर है जो उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे जैसे यूट्यूबर्स को मतलब कि स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जब तक आपकी डायरेक्ट कंपनी से डीलिंग ना हो तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बाद में कंपनी तो नहीं लेगी अगर उनकी कीज़ काम नहीं करी या कुछ ऐसा कुछ आए कि आपको बाद में उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम आई। तो मेरा मन नहीं माना दोस्तों, पैसे को मैंने साइड में रखा कि मेरे लिए जो है स्पॉन्सर से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है मेरे सब्सक्राइबर, क्योंकि दोस्तों मैं मानता हूं कि एक भी सब्सक्राइबर जो है वो अगर मेरे को क्लिक करके अगर वो सब्सक्राइब करता है बेल आइकन दबाता है तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है कि ये बंदा मुझे सही गाइड करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो उस स्पॉन्सरशिप से कहीं ज़्यादा है। सो ऐसे में मैंने कहा कि आप मुझे अपनी डिटेल दीजिए, आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। अगर मुझे लगा कि आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के साथ एसोसिएटेड हैं और किसी भी तरीके का बाद में अगर कोई हमारे यूज़र को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें हेल्प कर पाएंगे, और दोस्तों वो मुझे इस चीज़ के अंदर जो है जवाब देने में नाकाम रहे, मेरे को उस तरीके से वो सफिशिएंट मेरे को जवाब नहीं दे पाए, तो मैंने डिसाइड करा चाहे मेरी ये पहली स्पॉन्सरशिप है लेकिन मैं इसको बिल्कुल अवॉइड करूँगा और मैं इस तरीके की स्पॉन्सरशिप अपने चैनल पर नहीं चलाऊँगा। तो पहला तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा मेरे साथ क्या हुआ, दूसरे में जो थी कंपनी भी बिल्कुल जेन्युइन थी और ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही थी, और मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे अपना प्रोडक्ट बताया और प्रोडक्ट ये था कि वो एक प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर था। तो प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर आप ये देख लीजिए कि स्टूडेंट्स हो चाहे प्रोफेशनल हो, आज की तारीख में जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़ करता है उसे कहीं ना कहीं तो अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी जाती है। सो ऐसे में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा कि हाँ इसको एक बार ही अच्छे तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो डेफिनेटली ये लोगों के काम आ सकता है और लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है जिसको भी प्रेजेंटेशन बनानी है। सो मैंने उनसे बात करी एंड उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है मुझे यूज़ करने के लिए दिया, मैंने उसमें कीज़ डाली और मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया।
अब जब मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा यार ये प्रोडक्ट, मैं जहाँ तक थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है, जितना मैं टेक्नोलॉजी को जानता हूँ, उस हिसाब से मेरे को वो प्रोडक्ट यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई। मतलब प्रेजेंटेशन तो आप बना सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको मेहनत लग रही थी, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उससे आपका काम आसान होना चाहिए, ना कि मुश्किल होना चाहिए। सो ऐसे में जब मैं प्रेजेंटेशन उसे बनाने लगा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इतनी आसानी से प्रेजेंटेशन नहीं बन सकती जितनी आसानी से उनके जो वीडियो है या जो उनकी खुद की प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया ओके तो कमाल हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बन सकती है बहुत ही कम टाइम के अंदर, जबकि ऐसा उल्टा हो रहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन था और इंडिया के अंदर जो नेट की स्पीड है वो तो दोस्तों आप जानते ही है। तो ऐसे मुझे लगा कि यार ये चीज़ वो नहीं है जो मेरे यूज़र को सेटिस्फाई कर पाएगी, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जिसने मेरे को सब्सक्राइब करा है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि प्रोडक्ट अगर अच्छा है तभी मैं उसको स्पॉन्सरशिप को लूँ और उसको आगे गाइड करूँ। सो दोस्तों मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मेरे को प्रोडक्ट जो है वो समझ में नहीं आया और मैंने स्पॉन्सरशिप को भी समझ लीजिए कि मैंने उसको डिसएग्री करा और मैंने स्पॉन्सरशिप लेने से मना कर दिया कि मैं आपका प्रोडक्ट नहीं दे सकता हूँ, चाहे आप मुझे पैसे दें चाहे सॉफ्टवेयर दीजिए। सो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मुझे इससे पहले स्पॉन्सरशिप नहीं मिली थी, जब मिली तो मैं नहीं ली। तो मैं एक बात समझ सकता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, नॉर्मली स्पॉन्सरशिप जब मिलती है तो उनके लिए काफ़ी एक टेम्पटिंग ऑफर रहता है और ना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई भी अड़ंग बड़ंग, कई उठपटांग जो हैं इसलिए आपको मिल जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ले लो, ये बहुत अच्छा है, ब्लूटूथ स्पीकर है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो खुद मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं आपको कहाँ से रिकमेंड कर दूँ वो। सो दोस्तों मैंने ये अवॉइड कर दिया है इसी से स्पॉन्सरशिप लेना ऐसी चीज़ों की। हाँ अगर कोई ढंग का प्रोडक्ट आएगा जो कि डेफिनेटली मुझे यूज़ करने पे लगेगा कि वो आपके फ़ायदे का हो सकता है तो डेफिनेटली उसको रिकमेंड करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन ऐसी स्पॉन्सरशिप 200 भी आएगी तो डिजिटल इंडियन चैनल पे आपको नहीं दिखेगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता था बस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे मन में चल रहा था कि स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं, मतलब मेरे को मैसेजेस के अंदर मिलता था अब तो आपको ये वीडियो तो स्पॉन्सर्ड है, ये तो ये है। एक मैंने ओप्पो वीवो का वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं, ये तो आपको स्पॉन्सरशिप मिली होगी, ये हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओप्पो का जब अगला फ़ोन आया था ना तो मैंने उसका ओप्पो F9 मैंने खुद मार्केट से परचेज करके उसका रिव्यू किया है। इवन iPhone 10 जब आया था तो मैंने मार्केट से लेकर उसका रिव्यू किया था, या रेडमी की अगर बात करूँ तो मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि जिस भी फ़ोन का या लैपटॉप का प्रोज एंड कॉन्स मैं दोनों बताता हूँ, आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं, तो उसके अंदर मैं नॉर्मली ये बताता हूँ कि क्योंकि आज की तारीख में मानता हूँ कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। हाँ हालांकि अगर वो लेने के लायक है तो मैं ज़रूर कहता हूँ थम्स अप है, आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ ज़रूर बताता हूँ कि इसके अंदर अगर हाइब्रिड सिम नहीं है तो भी आपको बताऊँगा, अगर इसके अंदर 2 सिम स्लॉट हैं, इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं तो भी आपको इसके अंदर बताऊँगा, प्रोसेसर कैसा, हर चीज़ के बारे में मेरी कोशिश रहती है कि आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूँ। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप का जो मेरा साथ बना हुआ है वो साथ इस तरीके से बना रहेगा और हम आगे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। एक चीज़ जो मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता था कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लाइव आके बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये मन की बात होती है, इसके लिए मेरे को लगता है कि वीडियो अलग से बनाना और ये सारी चीज़ें करना, हो सकता है कभी हम लाइव आए और इसके बारे में बात करें। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि सैटरडे के दिन हम आधे घंटे के लिए या फिर जितने भी देर के लिए हम हो सकता है उतनी देर लाइव आए और आपस में आपके लाइव क्वेश्चन चल जाए और हम बात कर लें, तो आपके मन में जो भी बात होगी वो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें लाइव आना चाहिए, बात करना चाहिए, तो कमेंट आप नीचे डाल सकते हैं। आपको वीडियो अगर ठीक लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे ही मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कमेंट करके ज़रूर नीचे बताइएगा मुझे। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही, और इसी तरीके की अगर आपको वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।